हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नयन और आप जानने वाले हो ममीज और उनकी मिस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए बाजू का बेल आइकन भी क्लिक करना। ममीज कह के शायद आपको इजिप्ट पिरामिड ऐसी कॉन्सेप्ट्स याद आए होंगे। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में आप जानने वाले हो क्या होते हैं ममीज, उन्हें कैसे और क्यों बनाया जाता है, और ममीज क्या जिंदा हो सकती है, और इजिप्शियन ममीज के बारे में कई सारे फैक्ट्स जो शायद आपको पता ही नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और लेट्स एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ ममीज। तो सबसे पहले जानते हैं एक ममी, एक इजिप्शियन ममी क्या होती है। तो ममी किसी डेड बॉडी को कहा जाता है जिसे बहुत सारे केमिकल्स, बैंडेजेस और ऑपरेशन से प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखा जाता था। ये तो एक शॉर्ट डेफिनेशन है, लेकिन डेड बॉडीज को ममी में कन्वर्ट किया जाता था, मतलब क्या किया जाता था? तो शायद इसका आंसर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो सबसे पहले मृत व्यक्ति सच में डेड है या नहीं ये चेक किया जाता था। फिर उस डेड बॉडी के पेट से सारे नाजुक अंगों को निकाला जाता था, जैसे पेट, लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, ये सब भी उसमें शामिल थे। और इसके बाद उनके नाक से एक हुक वाली नाइफ से ब्रेन भी निकाला जाता था। ब्रेन के अलग अलग एक एक पार्ट करते करते पूरा ब्रेन नाक से ही निकाला जाता था। और इस अजीब प्रोसेस के बाद उनके सारे अंगों को सुखा कर रख दिया जाता था। फिर बॉडी को अलग अलग केमिकल्स और ऑइंटमेंट से घिस कर एकदम टाइटली बैंडेज कर दिया जाता था। और लास्टली उस बॉडी को कब्र में रख के दफन किया जाता था। इस पूरे प्रोसेस को ममीफिकेशन कहा जाता था। लेकिन एक मिनट, ये सब सुन के आपको ऐसा नहीं लगा? ममीफिकेशन के लिए इतना झंझट क्यों किया जाता था, वो भी एक डेड बॉडी के लिए? प्राचीन इजिप्शियन लोग मरने के बाद वाली जिंदगी यानी डेथ आफ्टर लाइफ पर मानते थे। इसीलिए मरने के बाद उनके सोल को उनकी बॉडी की जरूरत पड़े, इसीलिए उनके बॉडी को ठीक से रख कर उन्हें हेल्प की जाती थी, ऐसे उन लोग का मानना था। और इसीलिए उन एंशियंट इजिप्शियंस ने ममीफिकेशन का ये सिलसिला शुरू किया। लेकिन क्या आपको पता है, ममीज बनाने की ये प्रथा बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। सिर्फ ज़्यादा अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे, बाकी कॉमन लोग की डेड बॉडीज तो ऐसे ही ज़मीन में दफन की जाती थी। इसीलिए ममीफिकेशन की ये सुविधा सिर्फ राजा रानी यानी फेरोज और दूसरे अमीर लोग ही यूज़ कर पाते थे। और ऐसा ही नहीं कि ममी सिर्फ इंसानों की ही होती थी, इजिप्शियन गॉड्स को दर्शाने वाले जानवर जैसे बंदर, मगरमच्छ और बिल्लियाँ, इन सब जानवरों की भी ममीज बनाई जाती थी। मरने के बाद क्या होता है, इस पर अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे ही इजिप्शियन लोगों की ये मान्यता थी। किन का मानना होता है कि उसके बाद आत्मा धरती पर ही रहती है, और किन का मानना होता है कि ये स्वर्ग और नर्क में जाती है। वैसे ही इजिप्शियन लोग इस बात पर मानते थे कि मरने के बाद उस इंसान को उसकी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उस मरे हुए व्यक्ति का एक पोर्ट्रेट फोटो भी उसके फेस पर रखा जाता था, ताकि मरे हुए इंसान का सोल अपनी बॉडी को पहचान सके। साथ ही मरने के बाद उस इंसान को अपने मृत्यु के बाद वाली लाइफ में थोड़ी सी खुशी हो तो इसीलिए उसके कुछ फेवरेट चीज़ों को उसके कब्र के साथ दफन किया जाता था। मे बी ये ममीज का कॉन्सेप्ट दुनिया के कई कॉन्सेप्ट्स जैसे अंधविश्वास हो, लेकिन किंग तुतनखामन की ममी खोजने के बाद इस पर पूरी दुनिया का विश्वास हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि ममी जिंदा हो सकती है या नहीं? एक जिंदा ममी को आपने कई फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन क्या ये रियलिटी है, क्या ये सच में होता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एक डेडिकेटेड वीडियो में।
तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताना, क्योंकि ये वीडियो आपको ममीज क्या होते हैं और उनके पीछे की थिंकिंग और फैक्ट्स के बारे में बताने के लिए था। इन शॉर्ट ये सब नॉलेज आप तक पहुंचाना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं अगले मम्मी के ही ऊपर एक वीडियो में, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।